हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक नीचे रेड कलर का बटन है उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो की ग्रोथ अच्छी हो जाए और मुझे भी अच्छा लगे क्योंकि लाइक आप बहुत कम करते हैं। तो अब बात करते हैं हम आज के वीडियो में कि आर्मी में ड्राइविंग की नौकरी कैसे लग सकते हैं और क्या क्या कुछ हमें करना पड़ेगा, वो सब कुछ आज इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा। तो रोडवेज में भी कैसे लगना है, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ये कि आपको पढ़ाई पूरी करनी होगी। कोई फार्म 8वीं से निकलता है, कोई 10वीं से, कोई 12वीं से। 8वीं से फार्म नहीं निकलता है, ज़्यादातर 10वीं से निकलता है। देखिए, जब तक आप 10वीं क्लास की परीक्षा पूरी नहीं करेंगे तब तक आप नौकरी नहीं लग पाओगे आर्मी की। कोई भी नौकरी लगा लीजिए, एक ही जो सरकारी नौकरी होती है उसमें 10वीं ज़रूरी चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आर्मी की। तो एक मेरे पास कमेंट आया था कि भाई इसमें एज क्या होती है, तो एज की बता दूँ मैं आपको कि हर जो भी वैकेंसी होती है उसमें सब की एज अलग अलग होती है। अगर आप एससी में आते हो तो आपको 5 ईयर्स की जो है छूट दी जाती है और किसी अदर कास्ट में आते हो जनरल ओबीसी में उसमें आपको 2 या 3 साल की छूट दी जाती है। तो एज की टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए कि मुझे एज कम मेरी पड़ जाएगी या फिर मुझे एज में निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एज में बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। एज की चिंता आप ना करें, आप बस मेहनत करें। और किसी भी नौकरी में लगने के लिए आपको उस के काबिल बनना होगा जिसमें आप भर्ती होना चाहते हैं। कि यदि आप ये सोचें कि मैं छोटी गाड़ी चला लेता हूँ, बाइक चला लेता हूँ, तो मैं एक बड़ी गाड़ी भी चला लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, उस पर फोकस करना होगा। जिस भी परीक्षा में आप जाते हैं उसको कम्प्लीटली तरीके से सीखना होगा। अब आप एक रोडवेज में भर्ती होते हैं तब भी आपको एल्म बनाना या फिर एक आपको दे देते हैं कि सर्विस स्टेशन जो होता है उस पर बैग गाड़ी को चढ़ाया जाता है और सीधा भी चढ़ाया जाता है, उल्टा 8 या सीधा 8 भी बनाया जाता है, सीधा 8 ज़्यादातर बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिना कुछ मेहनत के सभी काम कर लूँगा और मैं नौकरी लग जाऊँगा, तो ऐसा आप बिल्कुल गलत समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसा आप सोचते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। देखिए, हम जब तक दौड़ नहीं करते हैं तो हम चाहे अपने मन में कितने ही तेज धावक हो, जब तक हम सभी के साथ दौड़ते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम कितने बड़े धावक हैं। तो ये सब आपको मेहनत करनी है, थोड़ा फोकस करना है अपने ऊपर भी, और जो भी काम करें उसे रेगुलर करते रहिए, निश्चित ही आपकी जो है जीत होगी। तो ड्राइविंग के लिए मैं आपको बता दूँ, आर्मी में लगने के लिए आपके 42 साल तक की एज होती है, जो TA होती है, TA में आप 42 की उम्र तक लग सकते हैं। और जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग के लिए आपको एज की चिंता करने की टेंशन नहीं है, आपकी एज इतनी होनी चाहिए या होगी। देखिए, आपने 19-20 साल के ने 10वीं 12वीं कर ली होगी, उसके बाद आपके पास टाइम होता है, अपना लाइसेंस बनवाइए, लाइट लाइसेंस बनवाइए, फिर हैवी लाइसेंस बनवाइए और आप निश्चित होकर कोई भी भर्ती देख सकते हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट दे सकते हैं और लग सकते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी टॉपिक पे थी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।